जो पत्र पत्र दिल लिखा हमने उसमें तो निकल गया। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फॉर्चून की दुनिया में स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं पहले लाइट देख लेती हूँ, लाइट आई हुई है नहीं आई हुई, तो लाइट तो नहीं आई हुई जहाँ तक मेरा होता है ना। फिर भी ऊपर ए सी ऑन कर ली, पता चल जाएगा नहीं आई हुई, क्योंकि हमारा ए सी है जो लाइट में कनेक्ट है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था ये हाथ लगाना नहीं है, क्योंकि भैया वायर का थोड़ा सा वो हो रहा है इशू, तो लाइट ऑफ हो गई थी। तो भैया अभी मैंने रूम क्लीन कर दिया, पूरे रूम में झाड़ू पोछा कर दिया है, बेडशीट चेंज कर दी, और भाई खाना भी हो गया है। खाने में आज बनाई भाई तोरी की सब्ज़ी। तो तोरी की सब्ज़ी की तो क्या ही रेसिपी दिखाती, इसलिए लाइव आई थी। अगर किसी को फिर भी रेसिपी देखनी है तो वो लाइव जाके देख सकते हैं। तो भैया अभी हस्बैंड गए हैं मार्केट, और मार्केट से आने के बाद आपको दिखाती हूँ। आज बहुत सारा सामान मंगवाया है भाई, काफ़ी दिन से ना सामान ख़त्म हो रहा था। पिछली बार वही ला के गए थे, या थोड़ा बहुत जो डेली यूज़ में होता है, चीनी होगी जैसे, तो वो चीज़ आ रही थी हमारे घर में रेगुलर, बट बाकी बहुत कम चीज़ें आ रही थी। तो भाई अभी मेरी देखो, मेरी शादी की फ़ोटो आपको दिखी होगी। अभी भाई मेरे रूम का थोड़ा थोड़ा लुक चेंज हो रहा है, अभी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी फाइनल लुक मेरे रूम का। अभी तो हल्का हल्का चेंज हो रहा है, अभी धीरे धीरे भाई सीनरी लाऊँगी। सीनरी तो थी मेरे पास भाई, मेरी शादी में भी मिली हुई है, मैंने वो भी लगाई है। और कुछ भाई अभी चेंज कर रहे हैं, अभी झाड़ू पोछा करके अब करते भाई थोड़ी देर रेस्ट। खाना अभी खाया नहीं, हस्बैंड आएगा रेस्ट, तो क्या करना था भाई। मैं सोच रही थी 11:30 का टाइम हो गया है, तो भाई लाइट आ जाए तो भाई कपड़े रखे मेरे हस्बैंड के भी मेरे भी, भाई कपड़े ही ख़त्म नहीं होते, समझ में नहीं आता कितने कपड़े वॉश होते हैं, कभी नीचे के कभी ऊपर के, भाई मैं तो इन्हीं में लगी रहती हूँ। और भाई नेक में भी पेन हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाता है भाई, इन्हीं में ना सारे पेन होने लग जाते हैं मेरे को। और भैया टैडी है ना, कई बार स्टिच कर लिया फिर फट जाता है। भैया मेरे हस्बैंड ने मतलब दिया था तो ये ऐसे ही रखा रहता है, क्योंकि बार बार फट रहा है, बहुत बार सिल चुकी। तो भाई देखो, मैंने भैया होम का ना, स्वीट होम का मैंने बहुत लंबे टाइम से रखा हुआ था मेरे पास, बहुत लंबे टाइम से। एक दो चीज़ें थी, एक तो कपल रिंग थी भाई, वो भी मेरे पास काफ़ी टाइम से रखी थी, मतलब उसमें मेरे को पसंद था वो डिज़ाइन, तो इसलिए रख रखा था। मतलब मेरे को जो पसंद थी ना चीज़ मैं रख लेती थी। वो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिया था भाई मेरे हस्बैंड ने, ये रखा हुआ था भाई काफ़ी टाइम से, भी ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने अभी ये टेबल पे रख दिया इधर, देखो भाई सुंदर लग रहा है ना, कैसा लग रहा है मेरे को बताना। दोनों देखो भाई, ये भी फूल ही हुई है, मेरे को दिया भी नहीं ना आज तक, कोई फ्लावर नहीं दिया इन्होंने मेरे को। भाई ये देखो, ये मैंने ना काफ़ी लंबे टाइम से रख रखा था संभाल के, बहुत लॉन्ग टाइम से। ये भाई की होल्डर है, इसमें की लगा देंगे, मतलब कोई भी की है अपना गुम नहीं होगी। नेल कटर है, की है या कुछ भी, नेल कटर से याद आया, नेल कटर है पहले वो लगा देती हूँ। ये भाई देखो, मैंने काफ़ी टाइम से लेके रख रखा था, तो आज फाइनली मैंने ये लगवा दिया। तो भाई इसमें पहले वो लगा देती हूँ नेल कटर, तो भाई ये लगा देती हूँ। ये भाई छोटी छोटी चीज़ होती है ना, फिर गुम नहीं होती, तो ये यहाँ रख दी मैंने, ये परमानेंट ऊपर के लिए ही है। तो भाई देखो कैसी लग रही है, मेरे को ज़रूर बताना भाई।
ये मेरा लोरियल का शैम्पू है जो फिनिश हो गया है। ये चारकोल मास्क का भी काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ फेस पे कुछ कर लूँ, बट भाई थकान इतनी हो जाती है ना काम करने के बाद, कुछ मन ही नहीं करता करने का। तो भाई कल परसों हमारे यहाँ बारिश आई थी, कल आई थी, तो भाई इसे फेंक देती हूँ, कभी ये टल जाए नीचे। ये देखो ये डाल देती हूँ, ये हो गया मेरा फिनिश। और इसे देखती हूँ भाई, अभी यूज़ नहीं कर रही क्योंकि अभी लाइट आ गई ना, मेरे को कपड़े वॉश करने फिर नीचे जाके, और फिर मेरे को इस रूम में देख लेंगे तो सभी डर जाएंगे। भैया मेरा मनी प्लांट भी सूख गया, पता नहीं क्या हो गया, अभी दोबारा ग्रीन ग्रीन लीव्स आ रही है, देख रही हूँ अगर ये दोबारा से उभर गया तो। और ये मेरे कपड़े भाई वॉशिंग के रखे हुए हैं, तो ये भाई मेरे हस्बैंड के किट में था, ये वही रख दूँ। और मेरे हस्बैंड को भी कर दूँगी, उनका भी ब्लैक ब्लैक फेस हो जाता है, टैनिंग हो जाती है फेस पे। तो भाई देखो ये मेरा रूम, ऐसे ऐसे कपड़े रखे हुए ना भाई, ये मेरे हस्बैंड के रखे हुए, ये जब तक जाएंगे नहीं ना तो इनका क्या होता है, ये कपड़े वॉश कर दे मेरी, मैंने इनके सारे आर्मी वाले सारे कपड़े आते ही वॉश कर देती हूँ मैं, कि भाई जाने के चक्कर में क्या होता है, आज नहीं कल कर दूँगी, कल नहीं परसों कर दूँगी, और भाई अर्जेंट क्या पता कहीं कहाँ जाना पड़ जाए। तो भाई अभी ये कपड़े इनके वॉश कर दिए मैंने सारे कपड़े, ये पिल्लो है भाई, पिल्लो को अभी कवर पहनाऊँगी थोड़ी देर में, ब्लैंकेट भाई रात को ठंड लगती है भाई एसी में तो ब्लैंकेट रखना पड़ता है। तो गाइस अभी चलती हूँ नीचे, अभी दिखाऊंगी, अभी खाना तो अभी खाएंगे नहीं, हस्बैंड आएंगे तो भाई जब देखते, मैं तो खा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं कि वो आएंगे तभी खाती हूँ, मेरे को भूख लगी होती, मेरे को दवाई लेनी होती तो मैं खा लेती हूँ टाइम से। तो अब चलते हैं गाइस नीचे, गर्मी हो रखी है काफ़ी, दिन में मैं ऊपर कम ही आती हूँ, आज ही आई हूँ, वो भी थोड़ा साफ़ सफाई के लिए आ गई थी, बाहर का फर्श धोया, बाथरूम वगैरह साफ़ किया, मैं काफ़ी टाइम से ना नीचे के चक्कर में ऊपर की सफाई रह जाती है मेरी, क्यों क्या होता है ये होता है कि नीचे अभी ना जल्दी जल्दी से ये कर ले ये हो जाते हैं, तो भाई ऊपर की सफाई रह जाती है, तो आज मैंने मेन कर दी है, अभी और भी करनी है थोड़ी बहुत, एक तो स्टोर रूम की करनी है, स्टोर रूम में जो मेरे मतलब जो मैं सूट नहीं डाल रही हूँ फिलहाल वो एक साइड करूँगी भाई, जिसमें थोड़ी थोड़ी चिरखियाँ आ गई है, जैसे कि नया सूट पड़ा है बिल्कुल पूरा, पर बैक में चिरखी आ गई है या कुछ और आ गया। तो भाई अभी चलते हैं गाइस नीचे, अभी चलते हैं नीचे पहले थोड़ा सा। तो ये देखो भाई मैंने ये की थी पॉप के लिए, क्या आई थी मैं ये लिपस्टिक भी, मतलब ये ठीक ठाक है बट मैं खा लेती हूँ भाई, मेरे को जैसे लिप्स की कुछ भी कह लो भाई, ज़्यादा लिप्स टचिंग है मेरी, तो ये वैसे अच्छी थी पॉप की, कलर भी बहुत प्यारा, देखो मैंने लगा रखा है अभी, बहुत प्यारा कलर है, तो आप भी यूज़ करना इसको। और ये नेल पेंट बहुत ज़्यादा डार्क है बट क्या करूँ, मेरे पास नेल पेंट है ना अभी ख़त्म हुई हुई है, तो अभी एक दो कलर मार्केट जाऊँगी तब लेके आऊँगी, या घर जाऊँगी तब लेके आऊँगी, मैं घर से ही लेके आती हूँ अपना मेकअप का सारा सामान ज़्यादातर, यहाँ से मैं नहीं खरीदती इतना ज़्यादा। तो भाई चलते हैं गाइस अब नीचे। तो भाई नहीं अभी तक मैंने ये लगाई है, डार्क की है थोड़ी सी क्योंकि लाइट हो जाती है, फिर नीचे से फिर ऊपर आओ दोबारा ये लगाने, वैसे मैं नीचे रखती हूँ एक दो चीज़ बिंदी वगैरह भी, क्यों भाई गर्मी इतनी होती है ना बार बार रिमूव हो जाता है और फिर कोई घर पे मेहमान आ जाए तो वही सोचता होगा ऐसे ही रहती होगी ये। तो भाई गेट तो खुला ही छोड़ देती हूँ, ये वाला बंद कर देती हूँ, कपड़े चलती हूँ नीचे लेके उनके लिए, लाइट आएगी तो वॉश कर दूँगी, उनके शूज़ भी करने आज वॉश, पति देव भी आ गए, इतनी गर्मी में इतना सारा सामान लिया है मैंने, कपड़े वॉश तो भाई वह कपड़े में सुखाने वो सुखाने, इनके सारे जूते मैंने कर दिए, देख लो सारे शूज़ कर दिए मैंने आपके गर्मी में, तो देखो भाई इनके सारे शूज़ मैंने धोकर भाई चढ़ा दिए, और भाई जो ये सामान लाए वो दिखाऊँ। तो भाई देखो शूज़ धो दिए इनके, ये हम भी ले आए हैं, इन्हें वॉश करके फ्रिज में रख दूँगी देखो। तो भाई अब जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ, अभी पहले तो भाई ये मैंगो है ये वॉश करके रख देती हूँ क्योंकि भाई इनके ऊपर चिपचिप होती है, फिर बाद में डायरेक्ट कोई फ्रिज में से निकाले ठंडा तो वो खा ले। वैसे भाई काम करने की कोई वो तो होती नहीं, पर क्या करे करके तो रखना ही पड़ेगा भाई, कोई मायका होता है, मायका जब भी तो याद होता है ना घर पे, तो माँ करके देती है ये सब काम, और यहाँ खुद कर लिया तो खा लिया वरना ऐसे ही भाई। तो भाई सारे वॉश करके रख दूँगा,
अभी तो भाई थाली में ही रख दी है मैंने, क्योंकि ये ना थाली में थोड़ा सा पानी हो जाएगा इनके, और वही उसमें ना सब्जी वाले में ऑलरेडी पहले बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई ये ऊपर ही रख दूँ। ये देखो अभी भाई काफ़ी चीज़ें लाए थे ये। आगे घूम के इतने पसीने के भाई ने हमारे साइड वाले स्कूल में भाई सब कुछ लागे, जिम जाम के टूल हुए जो ठीक है भाई, यहाँ पर काफ़ी हो जाएगा ठीक। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, देखो भाई पसीने के काट के फ़ोन गिरता भाई रही घूम का आ के नतीजे पसीटों में तर भी तर ये कर लो भाई। थोड़ा सा पहले तो नहा लूँ, नहाने के बाद उसके बाद देखते हैं क्या बनाऊँगी। सुबह तोरी की सब्जी बनाई थी वही रखी होगी, अगर कुछ और मन किया तो बना लूँगी, वरना भैया को खाते नहीं ये वाली सब्जी। और पापा जी देखो क्या खाएंगे, तो देखते हैं भाई ये खाएंगे खाना। मैंने इनके लिए बना दी आज कढ़ी और ये है रोटी। भैया जी ने बासी रोटी है, ये आपकी रोटी है क्योंकि आपने सुबह नहीं खाई तो बासी रोटी खाओगे। भाई ने बेरा आया बासी ना देवे, देखिए इतनी चालू छालने में तो नहीं निकाल ली। या भाई तोरी की सब्जी जो इनके घर में ना भाई कितनी बार बना लूँ, या देख लो तीन चार तोरी बनाई थी पतली पतली। हाँ भाई यह सारी सब्जी नुके की नू रखी रहोगी, कोई नहीं खाओ इसने भाई इतनी को बात करेगा कोई फ़ायदा नहीं। ये भाई कढ़ी, ये मक्खन, मक्खन थोड़ा कम बच रहा भाई, लस्सी, जो गन्ने का जूस भाई जो कि पूरा दिन इनका दरा रह कर और उससे नए पी जा कर। तो भाई हम खा ले अब खाना।